वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम इसका सिमांटिक नेटवर्क का एक एग्जांपल और देखेंगे। और ये एग्जांपल दिखने में तो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट कहता है एवरी बैटर हिट अ बॉल, मतलब ये एक नियम है और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हर एक बैट्समैन के ऊपर अप्लाई होता है। एवरी बैटर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी बैट्समैन। और जाहिर सी बात है, टीम के अंदर जो बैट्समैन होते हैं वो बॉल ही तो हिट करेंगे और बॉलर जो होता है वो बॉल डालता है। तो यहाँ पे एवरी बैटर हिट्स अ बॉल, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है, ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है। एंड जनरल स्टेटमेंट मतलब ये कि ये जो बैट्समैन इंडिया का हो सकता है, न्यूजीलैंड का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, इवन जो गली में भी क्रिकेट खेल रहा होगा ना उस बैट्समैन पे भी ये रूल अप्लाई होता है। तो जब भी कभी जनरल स्टेटमेंट आता है तो मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ उसको। पहले लिखा मैंने जी, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। जी क्या है, जी इज अ जनरल स्टेटमेंट। जी जो है वो मैंने क्या दे दिया, जी को पहले बोल दिया कि जी जो है वो जनरल स्टेटमेंट है, मतलब जो भी मैं बात करने वाला हूं दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉल्स दैट हैव बीन हिट एंड ऑल द बैट्समैन दोज हु आर हिटिंग दैट बॉल। तो कुल मिलाके मैं यहां पे कुछ लेता हूं, यहां पे लेता हूं बी, एंड बी इज अ बैटर। आप सोचोगे मैं बैट्समैन लिखूंगा, लेकिन नहीं, मैं तो वही लिखूंगा जो क्वेश्चन में लिखा है, मुझे ज्यादा आसान पड़ता है, आपको भी ऐसा ही आसान चीज ढूंढनी है। खैर, ये रूल जो है, ये रूल दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बैट्समैन, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहां पे एक और स्टेटमेंट लेता हूं और उस स्टेटमेंट का नाम लिखता हूं एच। एच जो है वो बी पे इम्प्लाइज करता हूं और लिखता हूं एच is what? H is hit. मतलब hit करने के लिए भी मैंने क्या ले लिया, कि statement ले लिया, क्योंकि hit जो है ना वो basically action है, और hit जो है वो action है, इस action का actor कौन है, batsman, और ये action जो है ये किसके ऊपर apply हो रहा है, ये हो रहा है BL ले लिया मैंने, ये B1 ले लिया इसको, B1 जो है वो B1 क्या है, B1 भाई मारने वाला कौन है, batsman, पिटने वाला कौन है, बॉल। तो यहां पे क्या है, मैंने ले लिया इसको बॉल। अब यहां पे एक बात का चीज का ध्यान देना आपको, ये जो एच है ना इसका बड़ा रोल है। यहां पे क्या है, एक्टर जो है वो बैट्समैन है, एक्शन जो है वो हिट करना है, और किस पे अप्लाई हो रहा है ये एक्शन, ये B1 पे हो रहा है, और ये B1 क्या है, ये B1 बॉल है, बी जो है वो बैट्समैन है। लेकिन ये तो रूल है, ये तो बैट्समैन के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको एक फॉर्म के रूप में शक्ल नहीं दी, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, ऐसा बॉक्स बनाऊंगा और यहां से एक जनरल स्टेटमेंट लिख दूंगा और ये लिख दूंगा ये क्या है, फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म। और ये फॉर्म लिखने का मतलब ये है कि अब ये रूल जो है, जो आपने नियम बनाया, वो नियम एक्चुअल में सब पे अप्लाई हो गया, मतलब फॉर ऑल द बैट्समैन, फॉर ऑल द शॉट्स दोज हैव बीन हिट, फॉर ऑल द बॉल्स, जिन बॉल्स को आपने बाउंड्री के पार पहुंचाया। और यहाँ पे ये जनरल स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये था क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना कोई रमेश, ना कोई सुरेश, ना कोई अमित, कोई नाम यूज नहीं किया गया था, और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा था, एवरी बैट्समैन, एवरी बैटर हिट्स अ बॉल। और यहाँ पे इसको मैंने इसलिए ऐसा लिया क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं लेता मैं और शायद इतना ही लिख के छोड़ देता तो शायद एक पर्टिकुलर एक्शन की बात हो रही होती, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात हो रही होती, इंस्टेंस होता अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंस कैसा लेना था हमें, जनरल स्टेटमेंट लेना था, और जनरल स्टेटमेंट, जनरल इंस्टेंस जो है वो दैट विल बी अप्लाइड फॉर ऑल द पीपल और फॉर ऑल द एक्शंस एंड फॉर ऑल द बॉल्स, मतलब तीनों चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए करना था। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा पेचीदा था। यहाँ पे जो मारने वाला है उसको असाइलेंट बोल सकते हैं और विक्टिम कौन है, बॉल, ये भी लिख सकते हैं आप अगर आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलता कि पुलिस हैज बीटन सम थीव्स, या एवरी टाइम पुलिस विल हिट दी बर्गलर, मतलब सारे के सारे पुलिस जो है सारे बर्गलर्स को मारती है, तो एक्शन क्या हो जाता, हिट की जगह पे वो हिट ही होता है एक्शन भी, और यहाँ पे पिटने वाला कौन होता, बर्गलर, B1 एंड B2 जो होते वो पुलिसमैन होते, तो सीधी सी बात है कॉप्स होते हैं जो भी। तो आपने जो भी स्टेटमेंट जैसा आएगा उसको इस तरह से आपको रिप्लाई देना है। जी, जनरल स्टेटमेंट का पहला एग्जांपल है। थैंक यू सो मच।